पे बॉक्स ऑफिस बड़ा बड़ा शब्दों में लिख चुका है। इधर साइड आपका पिकअप काउंटर है और ये पूरा मैप बना हुआ है कान्हा स्टेडियम का। ईस्ट अपर ब्लॉक ऐसे ही सकते हैं। ये रहा मैच का शेड्यूल, जो पहला मैच होने वाला ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का होने वाला। बता दें कि एक मैच यहाँ पे 10:30 बजे से भी है 21। ये जो नीचे वाला जो टिकट है वो काफी सस्ता आपको देखने को मिल रहा है, 499 रुपए का, क्योंकि यहाँ पे टिकट लेके रखा हुआ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का। तो भाई हे दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं मेरा पैरा सा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर बाय साहिल। गाइस, इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ इकाना स्टेडियम के जस्ट सामने, क्योंकि अभी लखनऊ में होने वाले वर्ल्ड कप के 5 मैच, इसके पहले वाले व्लॉग मैंने आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह दी थी कि आप लोग टिकट वगैरह कैसे परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन का मैंने आपको तरीका बताया। तो उसी व्लॉग में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुझसे कमेंट करके कई सारी चीज़ें पूछी हुई हैं, जो क्यूरीज आई हैं, तो उसी का मैं आपको रिस्पॉन्स देने वाला। और बाकी आज में जो यहाँ पे तैयारियाँ वगैरह चल रही हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन बचे हुए और वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया, तो वही सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे तैयारियाँ वगैरह चल रही है और क्या क्या चेंजेस अब आ चुके हैं। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सामने की तरफ कुछ इस तरीके का यहाँ पे बॉक्स ऑफिस बन चुका है। जब हम पहले आए हुए थे तो यहाँ पे ये सब कुछ नहीं लगा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे बॉक्स ऑफिस बड़ा बड़ा शब्दों में लिख चुका है। इधर साइड आपका पिकअप काउंटर है और इधर साइड भी पिकअप, मतलब जो जिन्होंने ऑनलाइन बुक किया हुआ था तो यहाँ से आकर के ले सकते हैं, और बाकी इधर साइड ऑफलाइन सेल चल रही है, जिन्हें ऑफलाइन लेना है वो इधर साइड आके ले सकते हैं। और कुछ इस तरीके का माहौल है। और बाकी यहाँ पे एक ये पूरा बैनर वगैरह लगा हुआ है जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स वगैरह हैं, कौन सा मैच कब होने वाला है, यहाँ पे ये सब आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा मैप बना हुआ है कान्हा स्टेडियम का। ईस्ट अपर ब्लॉक ऐसे, ईस्ट लोअर हो गया आपका, इधर साइड वेस्ट वगैरह हो गया, और साइड जो VIP होते हैं वो उन सबका है। और बाकी यहाँ पे जो शेड्यूल वगैरह भी मैच का भी यहाँ पे लगा दिया गया, ये आप देख सकते हैं। ये रहा मैच का शेड्यूल, जो पहला मैच होने वाला ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का होने वाला, 2 बजे से मैच है 12 तारीख को, और ऐसे ही 16 तारीख को मैच होने वाला ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का। और आपको भाई साहब बता दें कि एक मैच यहाँ पे 10:30 बजे से भी है 21 तारीख को, मैच है नीदरलैंड वर्सेस श्रीलंका का। और उसके बाद 29 तारीख को यहाँ पे होने वाला है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच होने वाला है। उसके बाद 3 तारीख को होने वाला है नीदरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का, और इनका क्या क्या रेट होने वाला है वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। स्टैंड ईस्ट अपर ब्लॉक का 1100 रुपये से स्टार्टिंग है और 900 रुपये 16 तारीख वाला, मतलब ऐसे यहाँ पे पूरी लिस्टिंग वगैरह। और जो आप देख रहे हैं ये जो नीचे वाला जो टिकट है वो काफ़ी सस्ता आपको देखने को मिल रहा है, 499 रुपये का, क्योंकि ये है दोस्तों ईस्ट अपर ब्लॉक का। आपको ऊपर से मैच देखने को मिलेगा, इधर साइड ईस्ट भी और वेस्ट भी, आपको वेस्ट का आपको मिल रहा है, वेस्ट का आपको मिल रहा है दोस्तों 1500 रुपये का यहाँ पे, और 1100 रुपये का यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ है। और स्टेडियम में जो आपका ईस्ट अपर ब्लॉक है वो उधर साइड राइट साइड में ऊपर की तरफ है, और इधर साइड आपका ये वेस्ट का एरिया आ जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं। और दोनों जो पवेलियन रहेंगे वो जस्ट सामने एक यहाँ पे रहेगी, एक उधर साइड रहेगी, तो अपना हिसाब से अपना टिकट वगैरह ले सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे प्राइस चार्ट वगैरह दिखा दिया, नोट यहाँ पे लगा हुआ है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच विल बी अवेलेबल ओनली ऑनलाइन। तो दोस्तों आपको जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच होने वाला है 29 तारीख को, उसका टिकट आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। ऑफलाइन यहाँ पे सोल्ड आउट हो चुका है, पता नहीं कब इन्होंने खोला और कब सोल्ड आउट हो गया, पता नहीं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो टिकट है वो यहाँ पे सोल्ड आउट हो चुका है। तो आप लोग अगर आ रहे तो अपना टिकट वगैरह यहाँ से ले सकते हैं, और काफ़ी हमारे भाई लोग यहाँ पे टिकट वगैरह लेने के लिए आए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ भाई लोग खड़े हैं, भैया आप लोगों ने टिकट ले लिया वर्ल्ड कप का, कौन से मैच का लिया है आपने? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेज श्रीलंका को, जो यहाँ पे 16 तारीख को मैच होना है। तो यहाँ पे भाई टिकट वगैरह दिखा सकते हैं किस तरीके का है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे भाई ने यहाँ पे टिकट लेके रखा हुआ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का। तो भाई एक्साइटेड हो? और इंडिया का टिकट मिला नहीं, सोल्ड आउट हो गया, तो उस पर क्या कहना चाहते हो? तो लेने आए थे भाई? हाँ, तो अच्छा, तो मिला नहीं, तो यहाँ पे देख सकते हो। और ऐसे कई सारे भाई लोग आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है, तो अभी हम लोग चल रहे हैं इसके पीछे वाले गेट की तरफ। ये जो गेट नंबर है ये है दोस्तों गेट नंबर 2, तो अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ के गेट नंबर 3 की तरफ, जहाँ से जो प्लेयर्स वगैरह की एंट्री होती है तो उसी गेट से होती है। तो अभी हम आपको लेके चल रहे हैं वहाँ के, और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी कि आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे टिकट वगैरह देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी, ऑनलाइन वगैरह भी आप लोग बुक कर सकते हैं बुक माई शो पर जा करके। और बाकी यहाँ पर काफ़ी सारी तैयारियाँ वगैरह भी चल रही हैं, अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ।
तो गाइस अभी हम आ चुके हैं कान्हा स्टेडियम के गेट नंबर 3 पर। भाई साहब यहाँ से जो स्टेडियम की खूबसूरती देखने में लगती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। जस्ट आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, वहाँ पे लिखा हुआ भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम। तो हम लोग तो ऐसे अभी अंदर साइड एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो आपको हम बाहर से ही दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है गेट का व्यू, और ये है दोस्तों गेट नंबर 3। और ऐसे आपको यहाँ पे 5 गेट दोस्तों देखने को मिलेंगे, जो पांचों गेट से एंट्री होगी मैच वाले दिन। बस इस गेट से दोस्तों एंट्री नहीं होती, क्योंकि इधर से जो वीआईपी लोग होते हैं और जो यहाँ पे मतलब मैच खेलने जैसे टीम वगैरह आती है तो वो यहीं से एंट्री वगैरह करती है, तो इसलिए ये गेट उन्हीं लोगों के लिए है। क्योंकि जितने भी आईपीएल वगैरह में हुआ तो इसी तरीके का कुछ शेड्यूल चलता है, तो मैंने आपको बता दिया। और बाकी इस तरीके का कुछ व्यू आपको इधर साइड से देखने को मिलता है, और इसी के जस्ट सामने आपको लखनऊ का प्लासियो मॉल दोस्तों देखने को मिल जाता है। और बात करें कि आप लोग यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, तो यहाँ से दोस्तों चारबाग जो रेलवे स्टेशन है हमारे लखनऊ का, जो लखनऊ जंक्शन कह सकते हैं, वो यहाँ से तकरीबन यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होगा। तो वहाँ से आपको रिक्शे वगैरह काफ़ी मिल जाएंगे यहाँ पे आने के लिए। और जो अगर आप लोग अदर स्टेट से आ रहे हैं अदर कंट्री से आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे हमारा अमौसी एयरपोर्ट दोस्तों देखने को मिल जाता है, जिसके डिस्टेंस भी यहाँ से लगभग 15-15 किलोमीटर के आसपास होगी। तो वहाँ से भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, और वो रूट तो एकदम इसी रूट पे ही है, इसी रूट पे आपको दोस्तों देखने को मिल जाता है। तो कौन कौन यहाँ पे आने वाला, तो दोस्तों अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि आप लोग कैसे आ सकते हैं, और अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ पता है कहाँ पे। जैसे आप लोग अपनी बाइक वगैरह से आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, मतलब अपने साधन से अगर आ रहे हैं, तो आप लोग अपनी गाड़ी वगैरह कहाँ पे पार्किंग पे लगा सकते हैं। तो आपके लिए मैं बता देता हूँ, जो बाइक पार्किंग रहेगी जहाँ तक वो इसी के अंदर रहेगी, क्योंकि अभी जो यहाँ पे आईपीएल के मैचेस वगैरह हुए थे तो उनकी जो पार्किंग की व्यवस्था की गई थी वो इसी के अंदर यहाँ पे टू व्हीलर की पार्किंग वगैरह थी, और जो मतलब फोर व्हीलर की जो पार्किंग है वो यहाँ से सीधे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पार्किंग का एरिया देखने को मिलेगा। और ये जो पार्किंग का एरिया है काफ़ी बड़ा आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे ये टू व्हीलर पार्किंग के लिए बनाया गया, यहाँ पे ये सब आप देख सकते हैं। और बाकी उधर साइड आपकी यहाँ पे फोर व्हीलर पार्किंग वगैरह आपकी इधर साइड पीछे की तरफ देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं भाई साहब यहाँ से स्टेडियम का क्या ही नज़ारा लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पूरा स्टेडियम का हाफ हिस्सा, सर्कल का आधा सी देखने को मिलता है यहाँ पे, ये मतलब पूरा सी देखने को मिलता है, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का कुछ व्यू है, यहाँ पे देख सकते हो उधर साइड लिखा हुआ वहाँ पे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम। तो कौन कौन भाई साहब यहाँ पे आने वाला है सो खूबसूरत स्टेडियम में मैच देखने के लिए। और आपको बता दें कि यहाँ पे दोस्तों 150,000 दर्शक भाई साहब मैच देख सकते हैं, तो मतलब दर्शक क्षमता की कोई बात ही नहीं है। आप लोग अपना आइए, अपना टिकट वगैरह परचेस कर लीजिए, यहाँ पे भी आके अपना ले सकते हैं, ऑफलाइन वगैरह बाकी ऑनलाइन वगैरह भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि टिकट का क्या क्या प्राइस होने वाला है, आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, पार्किंग की क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं होने वाली, बाकी आप खूबसूरती वगैरह स्टेडियम के देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच होने वाला है ना, उसका टिकट अभी तक ऑफलाइन नहीं मिल रहा, सोल्ड आउट हो चुका। अगर आपको लेना तो आप ऑनलाइन ही पिकअप कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक वगैरह करके यहाँ पे आके ले सकते हैं, या आपके घर पे भी वो डिलीवर हो जाएगा। तो अगर आपको ये हमारा ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।